आज बनाएंगे फलाहारी लड्डू व्रत के लिए और कन्हैया जी के भोग के लिए। जल्दी से बनने वाली और बहुत ज़्यादा टेस्टी और आपके परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। नमस्कार, अमिताश चैनल को आपको स्वागत। आज मैं आपके लिए शेयर करूँगी नारियल के लड्डू, जो सबको पसंद है और सब बनाना चाहते हैं लेकिन हलवाई जैसी नहीं बन पाता है। और उसकी जो स्पेशल ट्रिक है ना, मैं आपके साथ आज शेयर करूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो लड्डू है ना, इसका टेक्सचर, उसका शेप परफेक्ट आएगा। चलिए देखते हैं इसका प्रस्तुत प्रणाली। नारियल के लड्डू के लिए पहले हमको चाहिए एक नारियल, फिर हम इसको छोटा छोटा पीस कर लेंगे और इसके जो काला हिस्सा है ना, इसको हम निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे इसका काला हिस्सा हमने अच्छे से निकल दिए। फिर इसको हम ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग आप थोड़ा दरदरा करिए। थोड़ा सा दरदरा रहे तो हमारा लड्डू अच्छे से बनेगा। लड्डू बनाने के लिए पहले हमको चाहिए एक पेन। पेन के अंदर हम डाल लेंगे नारियल के बुरादा। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। नारियल लड्डू बनाने के सब प्रोसेस लो फ्लेम में होगा। 30 सेकंड हम फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी। इससे में भी नारियल में थोड़ा तेल निकलता है, लेकिन घी ऐड करने से लड्डू का स्वाद और भी बढ़ जाता है। ध्यान देने वाली बात, सब टाइम नारियल को हम ऐसे मिक्स करते रहेंगे। ऐसे नहीं करेंगे तो इसका नीचे लग जाएगा। नारियल को हमको अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। जितना नारियल लेंगे उतना ही दूध हमको ऐड करना है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा नारियल और दूध अच्छे से मिक्स हो गया। इसके बाद हम ऐड करेंगे शुगर पाउडर। यहाँ पे मैंने चीनी को अच्छे से मिक्सी में पीस लिया और उसके बाद इसको नारियल में ऐड कर रही हूँ। सब प्रोसेस लो फ्लेम में ही करिए। ये सब चीज को हम लो फ्लेम में मिक्स करेंगे। हमारे यहाँ पे पूरा प्रोसेस लो फ्लेम में ही होगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इलायची। इलायची खुशबू के लिए हम ऐड करेंगे। इसको बनाना बहुत सहज है, आप एक बार सोचोगे तुरंत ये बन जाएगा। यहाँ पे हमारा नारियल और चीनी अच्छे से मिल गया और उसके बाद हम थोड़ा चेक करेंगे। देखिए ऐसे ही चिपचिप के होने से आपको पता चलेगा हमारा अच्छे से यहाँ पे लड्डू का टेक्सचर आ गया। और इसको थोड़ा सा हमको ठंडा करने के बाद हम लड्डू प्रस्तुत करेंगे। ज़्यादा हमको यहाँ पे ठंडा नहीं करना है। आपके मनपसंद
हिसाब से आप शेप दे सकते हैं। आपको छोटा चाहिए तो छोटा बना सकते, बड़ा चाहिए तो बड़ा भी बना सकते। यहाँ पे देख सकते हैं ना हमारे लड्डू कितना जूसी बन रहा है। आप ये जन्माष्टमी के अवसर पे इसको जरूर ट्राई करें। यहाँ पे हमारा सब लड्डू प्रस्तुत हो गया। इसके ऊपर हम थोड़ा सा शुगर पाउडर ऐड कर देंगे। शुगर पाउडर ऐड करने से हमारा लड्डू और भी खूबसूरत दिखेगा। इस लड्डू को आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा चेरी ऐड करेंगे। आपके पास चेरी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। देखिए हमारा लड्डू यहाँ पे कितना सुंदर दिख रही है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगा। मेरा रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।